वाला सॉफ्टवेयर 6605 में कैसे वर्क करेगा, किस तरह से आपको सॉफ्टवेयर करना है, और दोस्तों सभी सैटेलाइट के अंदर HD प्लस HD चैनल कैसे आप देख सकते हैं, उसके बारे में आज का ये वीडियो है। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखें, और चैनल को दोस्तों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर JK टेक इन्फो यूट्यूब चैनल पर दोस्तों हम आपके लिए रोजाना इस यहाँ पर नए नए जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मेनली तीन पार्ट में सॉफ्टवेयर होगा। सबसे पहले यहाँ पर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो कि एक फाइनल पार्ट है, जो कि हेलो बॉक्स का सॉफ्टवेयर है। तो पहले दो सॉफ्टवेयर करने के बाद फाइनल दोस्तों आपको ये वाला सॉफ्टवेयर करना है, और ये सॉफ्टवेयर करने के बाद दोस्तों आपको कैसा इंटरफेस मिलेगा, किस तरह से आप यहाँ पर से इसको एक्टिव कर सकते हैं, ये मैं आपको दो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताता हूँ। तो पहले आप दोस्तों तीनों सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। और बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे कमेंट करते हैं कि डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो भाई बहुत सारे फ्रेंड्स डाउनलोड करने के लिए आते हैं तो सर्वर बिजी होता है, इसीलिए दो लिंक हमेशा मैं देता हूँ। तो दोनों लिंक से आप कोशिश करें, एक लिंक से आपको आराम से डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो डाउनलोड होने के बाद, सॉफ्टवेयर अपग्रेड होने के बाद बॉक्स रिस्टार्ट होगा, और रिस्टार्ट होने के बाद आपको DBB फाइंडर स्कैन टू एक्टिव लिख के आपके सामने एक इस तरह से जो एक इमेज आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सिंपली जैसे मैंने एक पिछले वीडियो में आपको बताया था कि आपको कैसे एक्टिव करना है, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो देख लें। बाकी ये बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर आपको सिर्फ स्कैन करना है DBB फाइंडर एप्लीकेशन में जाकर, और रिमोट में से ये आपको कोड जो है वो यहाँ पर एंटर कर देना है। तो जैसे आप कोड एंटर कर देंगे तो आपका जो ये सॉफ्टवेयर है वो एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आप वाईफाई कनेक्ट कर लीजिए। वाईफाई कनेक्ट करने के बाद यहाँ पर वाईफाई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 5370 वाईफाई जो है सॉलिड वाला भी आपको यहाँ चला सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों आपको जाना है SKM प्लस सेटिंग में। यहाँ पर दोस्तों आपको देख लेना है कि आपका जो है SKM वर्किंग है या फिर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आप नेटवर्क क्लाइंट ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर फंक्शन मिल जाते हैं आपको, जैसे कि DBB फाइंडर आपको मिल जाता है, यहाँ पर नेटवर्क क्लाइंट सेटिंग मिल जाता है, और SKM प्लस वाला सर्वर फ्री में मिल जाता है, और भी दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशन जैसे कि IPTV, मेगेगो TV, YouTube वगैरह भी एकदम ओके है। और साथ में यहाँ पर दोस्तों आप HD और SD चैनल भी बिल्कुल फ्री में इस सर्वर के जरिए देख पाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये सॉफ्टवेयर था 6605NK मॉडल वाले बोर्ड के लिए। अब उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो यार चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को